हाय वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज अनिल वर्मा और आज की वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ डीएलएफ फेज 5 गुड़गांव में, विच इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लोकेशन फॉर बाइंग एनी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी इन दिल्ली एनसीआर। डीएलएफ फेज 5 में बहुत टाइम से ये एक बज चल रहा था, एक एंटिसिपेशन चल रहा था कि यहाँ पर डीएलएफ अल्ट्रा लग्जरी लो राइज फ्लोर्स लाने वाला है, जो कि फाइनली डीएलएफ लाने वाला है विद इन नेक्स्ट 15 to 20 days। ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन उसकी आ चुकी है, टेंटेटिव साइजेस आ चुके हैं, प्राइसेस आ चुके हैं, पेमेंट प्लान्स आ चुके हैं, फ्लोर प्लान भी उसके आ चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहो तो डेफिनेटली आप उन फ्लोर प्लान्स को देख सकते हैं। सो एवरी डिटेल हैज़ बीन रिवील्ड, बट बिफोर दैट लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट दिस डीएलएफ फेज 5। और एक छोटी सी मैंने वीडियो क्लिप बनाई है डीएलएफ फेज 5 की लोकेशन की, विच इज़ अ वेरी प्रीमियम एंड वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, जो कि आपको एक आइडिया देगी कि किस तरह की यहाँ पे डेवलपमेंट हो रखी है और किस तरह की डेवलपमेंट होने वाली है। एक महीने पहले भी मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी और एक महीने बाद जो ये क्लिप मैं बना रहा हूँ उसमें दिन रात का फर्क आ चुका है। काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया है डीएलएफ ने, क्योंकि जो ये रोड है डीएलएफ फेज 5 की, जो कि आपकी गोल्फ कोर्स रोड से कनेक्ट होती है और आपकी डीएलएफ क्रेस्ट पे जाके एंड होती है, जहाँ पर आपकी बहुत सारी हाई एंड प्रॉपर्टीज है, ये पूरे की पूरी रोड विल बी मेंटेन्ड बाय डीएलएफ इटसेल्फ। और आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर रोड्स आपको बना के बन चुकी है, जो आपका ग्रीन पैच है और जहाँ पे आपके ट्रीज लगने हैं वो भी उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश की गई है डीएलएफ के द्वारा। I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the clouds where the skies are so clear. So let me give you a brief overview about the grove first. इसमें आपके 270 गज, 340 गज और 500 गज के प्लॉट साइजेस रहेंगे, जिस पर कि आपका 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम प्लस 5 BHK प्लस सर्वेंट रूम के ऑप्शंस निकल के आते हैं। सो आपके पास 270 से लेकर 500 स्क्वायर यार्ड का टिकट साइज़ आ जाता है, जिसमें कि अगर आप तो छोटे साइज़ चाहिए तो आप 270 में जा सकते हो, अगर आप स्पेशियस लग्जरी अपार्टमेंट्स देख रहे हो तो यू कैन गो फॉर 500 स्क्वायर यार्ड। इसमें जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा वो आपका वैसा ही रहेगा जैसा कि डीएलएफ के पहले के जो फ्लोर्स इन्होंने लॉन्च किए थे उसमें था, उसी तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। आपका बेसमेंट होगा, आपका स्टिल्ट एरिया होगा, देन देयर विल बी अ 4 फ्लोर्स और आपका टेरेस होगा। जो बेसमेंट है उसमें आपका स्टोर रूम और सर्वेंट रूम रहेगा, स्टिल्ट लेवल पर आपकी कार पार्किंग्स रहेगी और उसके अलावा जो टेरेस है वो भी आपका सारे फ्लोर ओनर्स के बीच में जाएगा। बात करें अगर स्पेसिफिकेशंस की, तो
काफ़ी अल्ट्रा लग्जरी स्पेसिफिकेशंस के साथ DLF ये अल्ट्रा लग्जरी जो फ्लोर्स हैं उसको लॉन्च करने जा रहा है। आपका पर्शियन मार्बल इसमें आपका डाइनिंग और लिविंग एरिया में फ्लोरिंग के रूप में यूज़ किया जाएगा। आपके जो बेडरूम्स होंगे उसमें आपको लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिलेगी। आपका जो किचन होगा फुली फिटेड मॉड्यूलर किचन आपको मिलता है अलॉन्ग विद ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस लाइक आपका जो वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, डिश वॉशर है, माइक्रोवेव ओवन है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें करके मिलती है। तो किचन आपको फुली फिटेड मिलता है। इसके अलावा जो आपके वॉशरूम्स हैं, WC फिटिंग्स हो चाहे शावर फिटिंग्स हो, सारे की सारी फिटिंग्स आपको टॉप ब्रांड की मिलती है। तो जो स्पेसिफिकेशंस की बात है बहुत ही टॉप ब्रांड की और अल्ट्रा लग्जरी स्पेसिफिकेशन देने की कोशिश की है DLF ने, खासकर इस प्रोजेक्ट के अंदर। इसके साथ साथ ही आपको वार्डरोब्स इसमें करके मिलेगी, फॉल सीलिंग अलॉन्ग विद कोब लाइट्स करके मिलेगी, और पूरे का पूरा जो घर आपका होगा वो ऑटोमेशन के साथ आपको मिलता है, जो कहीं ना कहीं आपके सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है, जो कि दिल्ली NCR में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है, उसको कैटर करता है। उसके साथ साथ ही आपके जो पॉकेट्स होंगे ये 6 पॉकेट्स में डिवाइडेड होगा, तो जो हर पॉकेट है आपकी उसमें एंट्री के साथ ही आपका गार्ड हाउस होगा, उसके साथ साथ ही आपके बूम बैरियर्स होंगे जहां पर आपके RFID टैग्स होंगे, उसके थ्रू ही वो आपके गेट्स ओपन होंगे, और जो आपके जो एंट्री गेट है अपार्टमेंट के अंदर जो अपस्ट्रीट एरिया में आप जाते हो वो भी आपके RFID टैग से ही खुलेंगे। तो कहीं ना कहीं जब आप पार्किंग करते हो तो ऐसा नहीं कि आपको उतर के फिर गेट खोलना है, फिर आप गेट खोलोगे फिर बंद करोगे, वो वाली उलझन से आपको बचाता है। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है आपकी लाइफ को ईजी बनाने के लिए। उसके अलावा आपके वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी है, तो बिल्डर ने हर तरह से आपके अपार्टमेंट को टेक्निकली भी साउंड करने की कोशिश की है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है वो रोड DLF फेज 5 की, जो कि आपकी गोल्फ कोर्स रोड से कनेक्ट होती है, और इस रोड से आते हुए यहाँ पर जो आप प्रॉपर्टीज देख रहे हो, DLF समिट है, पार्क प्लेस है, DLF क्रेस्ट है, ये रोड आपकी DLF क्रेस्ट पे जाके एंड होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो अपकमिंग फ्लोर्स है जो कि जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं। जो रोड के अपोजिट साइड में है ये है वो वाली पॉकेट जहाँ पर आपके बड़े साइज़ के फ्लोर्स लॉन्च होंगे। यहाँ पर जो प्लॉट साइजेज़ है, मैक्सिमम प्लॉट साइजेज़ जो है यहाँ पर 500 स्क्वायर यार्ड का है। तो अगर आप अल्ट्रा लग्जरी स्पेशियस बेडरूम्स देख रहे हो, 5 BHK बेडरूम, तो इस वाली पॉकेट में आप जा सकते हो। थोड़ा सा आगे जाके इसी रोड पे अपोजिट साइड में आपको 270 और 340 गज के फ्लोर्स मिलेंगे, जहाँ पर आपके उस फ्लोर के पीछे फॉरेस्ट लैंड लगती है। तो जो आपका व्यू होने वाला है उन फ्लोर से वो बड़ा ही प्रीमियम और बड़ा ही सीनिक व्यू होने वाला है। और इस तरफ हम अगर देखेंगे तो ये आपका सामने पार्क प्लेस रहता है, विच इज़ अगेन अ वेरी लग्जरी प्रोजेक्ट, रेजिडेंशियल हाई राइज प्रोजेक्ट बाय DLF। और ये है आपकी समिट प्लाजा करके मार्केट, जो कि आपकी DLF साइबर हब के कॉन्सेप्ट बनेंगे, उसी लेवल के इसमें ब्रांड्स आएंगे। और ऑब्वियसली क्योंकि जेनरे अगर आप यहाँ का देखोगे जिस तरह का जेनरे यहाँ पर है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपके टॉप ब्रांड्स ही आएंगे। लोकेशन आप देख सकते हो बहुत ही पीसफुल लोकेशन है, फॉरेस्ट लैंड है, अरावली हिल्स है, तो ये एक ऐसी लोकेशन है कि आप शहर के अंदर रहते हुए भी आप ऐसी जगह पर रहोगे विच इज़ नियर टू मदर नेचर। कहीं ना कहीं आपकी ग्रीनरी है, आपकी बिल्कुल नज़दीक में है, आसपास का जो एरिया है वो अरावली फेसिंग है, तो ये आपको सोने पे सुहागा वाला ऑप्शन है। और चीज़ जब DLF की हो तो ऑब्वियस सी बात है DLF इज़ नोन फॉर हैविंग गुड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। आप इनका कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देख लीजिए, अपने आप में सभी प्रोजेक्ट्स लैंडमार्क है, वो चाहे कमर्शियल है चाहे रेजिडेंशियल है, वो ऐसे प्रोजेक्ट है कि उन प्रोजेक्ट के नाम पे उस लोकेशन को डिफाइन कर देते हैं। इस तरह का लेवल रहता है DLF
एलएफ के प्रोजेक्ट्स का। सो इट इज़ अ रेयर अपॉर्चुनिटी टू ओन योर हाउस विद इन अ सिटी बट नियर टू मदर नेचर। जैसा कि मैंने आपको बताया 270, 340 और 500 गज के प्लॉट पर ये फ्लोर्स बनेंगे, फुली ऑटोमेटेड होम्स के ऑप्शन मिलते हैं, मेंटेनेंस टीम आपकी डेफिनेटली सेंट्रलाइज्ड मेंटेनेंस टीम रहेगी। सो अगर हम प्राइसेस की बात करें तो 270 गज के जो आपके फ्लोर्स रहेंगे, जो 270 गज पे बनते हैं, उसमें 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम निकल के आता है। काफ़ी अच्छा फ्लोर प्लान है उसका, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अब FAR आपकी 75% हो जाती है 300 गज तक के प्लॉट पे, तो काफ़ी स्पेशियस आपको उसमें साइजेस मिल जाते हैं। तो उसमें जो आपको प्राइसेस निकल के आते हैं वो आपका 5.5 करोड़ से लेकर 6 करोड़ के बीच में फॉल करता है। उसके अलावा आपके GST, IFMS जैसे चार्जेस रहते हैं। और जब हम बात करते हैं 340 गज की, तो वहीं पर आपका जो प्राइस है वो आपका 6.5 करोड़ तक आता है। और जब बात करते हैं हम 500 गज की, तो आपका जो प्राइस है वो 9 करोड़ तक पहुंच जाता है। सो ये थी आपकी प्राइस की डिटेल। अब बात करते हैं पेमेंट प्लान की। DLF ने इसमें इन्वेस्टर्स को और एंड यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए अभी फ़िलहाल दो तरह के पेमेंट प्लान हैं। एक तो आपका जो ट्रेडिशनल पेमेंट प्लान होता है, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान भी जिसको कहते हैं, जिसमें जैसे जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन होती है उस हिसाब से आपका पेमेंट प्लान चलता रहता है, उस तरह से आपकी पेमेंट चलती रहती है। उसके अलावा एक है आपका डाउन पेमेंट प्लान, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है, उन बायर्स के लिए है जिनको कि थोड़ा एडिशनल डिस्काउंट चाहिए। अगर आप इस पेमेंट प्लान को ऑप्ट करते हैं तो इसमें आपको अट्रैक्टिव डिस्काउंट के ऑप्शन मिलते हैं, जो कि आपके प्रॉपर्टी के प्राइसेस को काफ़ी नीचे ले आता है। फॉर प्राइसेस, फॉर टेंटेटिव डिटेल्स, फॉर फ्लोर प्लान, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर्स मैंशनड ऑन दिस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन। सो इट वॉज ऑल अबाउट DLF द ग्रो, विच इज़ लोकेटेड इन DLF फेज 5, सराउंडेड बाय मैनी अल्ट्रा लग्जरी हाई एंड residential projects of DLF itself. So if you have any query, do call us on the numbers mentioned on this YouTube video screen. Thank you very much for your time.